हेलो एवरीवन, आप सभी थंबनेल देख के पहचान लिया होगा। आज का टॉपिक है हार्ट, मतलब हार्ट के बारे में समझेंगे। हार्ट क्या होता है, हार्ट में ब्लड कैसे पंपिंग करता है, हार्ट में कैसे ब्लड जाता है तो वहां से आ जाता है, कितने टाइप का हार्ट में चेम्बर होते हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का हार्ट जो होता है पूरी तरीके से मांसपेशी का आकार का होता है, उसमें उत्तक वगैरह नहीं होता है, उसमें हड्डी वगैरह नहीं होते, वंश नहीं होती, पूरी तरीके से मांसपेशी का आकार का होता है। हार्ट का हमारे शरीर में यही काम करता है कि ब्लड को पंपिंग करना। अगर कोई उसके अंदर ब्लड जाता है तो हार्ट का करता है उस चीज को पंप कर देना है, पंप करना यही काम रहता है हार्ट का। हम लोग जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है एक फिस्ट के आकार का होता है, एक मुट्ठी का आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का फिस्ट मतलब मुट्ठी, मुट्ठी के आकार का हमारा जो हार्ट होता है ये, इसका वजन करीब 250 से 300, लगभग 250 से 300 ग्राम का होता है। लगभग ऐसे लगभग 300 ग्राम लिखा जाता है, लेकिन 250 से 300 ग्राम लगभग होता है। इतने चीज को देख लिए। और इसमें हम लोग जानते हैं कि हमारा जो हार्ट होता है इसमें अलग अलग चेम्बर होते हैं। पहले चेम्बर को देख लेते हैं क्या होता है। सबसे ऊपरी वाले चेम्बर होते हैं उसको बोलते हैं आलिंद, नीचे वाले चेम्बर को निलय बोलते हैं, आलिंद और निलय, इसी को आर्ट्रियम ऊपर वाले के इंग्लिश में, और नीचे वाले के वेंट्रियम बोलते हैं। ये इंग्लिश नाम हो गया, यहाँ पे सब चीज को लिखे आलिंद और निलय, ऊपर वाले के आर्ट्रियम और नीचे वाले को वेंट्रियम बोलते हैं। हम लोग जानते हैं पहले आर्ट्रियम किस में होता है, वेंट्रियम किस में होता है, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, मछली जो होता है, मछली का जो हार्ट होता है, तो इस हार्ट में दो पार्ट होते हैं, मतलब दो चेम्बर होते हैं। खाली स्थान को हम लोग बोलते हैं चेम्बर। तो यहाँ पे मछली के हार्ट में दो चेम्बर होते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद मतलब आर्ट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं निलय मतलब वेंट्रियम। ये दो तरीका से होता है, ये मछली में दो तरीका से आलिंद और निलय होता है। लेकिन अभयचर हो गए, अभयचर में आ जाते हैं मेढक, सर्वसर्पण, छिपकली, इन सब में लगभग ईटीसी, इन सब में लगभग तीन चेम्बर होते हैं। जैसे एक चेम्बर बना दिए, अब बीच से काट दिए, ऊपर वाले को बोलते हैं आलिंद और नीचे वाले को बोलते हैं निलय। लेकिन अगर ऊपर वाले को बीच से काट दिए तो ये हो जाएगा लेफ्ट आलिंद, ये हो गया राइट आलिंद, लेफ्ट आलिंद, ये हो गया राइट आलिंद, और नीचे वाला हो गया सिर्फ निलय। नीचे में है क्या, सिर्फ निलय। ये तीन टाइप के होते हैं, मछली में दो और अभयचर में मेढक, संप्रचाय और छिपकली, ये सब के अंदर तीन चेम्बर आते हैं, जिसको राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम, और यहाँ पे नीचे वाला को निलय यानी वेंट्रियम बोला जाता है। ये तीन तरह का चेम्बर होता है। इसको स्क्रीन शॉट करिए। उसके बाद मनुष्य के हार्ट में चार चेम्बर होता है, उसको बनाना बताते हैं, कैसे बनाना है, कितने चेम्बर होते हैं, सब चीज को देखते हैं। अब यहाँ पे हृदय को बनाना सीख लेते हैं, हार्ट को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले सरीसृप और स्तनधारी जो होते हैं उनके अंदर चार चेम्बर होते हैं, जैसे कि मगरमच्छ हो गई, मगरमच्छ हो गया, मगर हो गया, और मनुष्य हो गया, गाय भैंस बकरा बकरी, जीव स्तनधारी है, इसके अंदर चार चेम्बर पाया जाता है। चारों चेम्बर को यहाँ पे पहले बनाना सीखते हैं कैसे बनाना है, और उसके बाद यहाँ पे बताते हैं कौन सा भाग का क्या काम रहता है। सबसे पहले हार्ट यहाँ पे बनाते हैं, कैसे हार्ट बनाया जाता है। तो ये इस तरीका से हम अपने हार्ट को बनाते हैं, दोनों साइड से समान शेप का होता है, और इसके ऊपर एक मांसपेशी आकार होता है जो कि इस तरीका से होता है, एक तरफ से मोटा होता है और एक तरीका से पतला होता है, इस तरीका से।
हॉट हो गया मेरा, इस तरह मोटा चेम्बर होता है मतलब मसल्स होता है, इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है किस तरफ मोटा चेम्बर होता है, तो ये इस साइड में, मतलब सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट, इधर लिख लेते हैं राइट, राइट लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख दिए हैं, तो यहाँ का जो चेम्बर हम दिखा रहे हैं इससे अंदर की तरफ दो नली आती हैं, जो कि अंदर की तरफ बना रहे थे, यहाँ पे पहले दो नब्स आते हैं, एक ये हो गया और ये एक ये हो गया, इसका नाम है फुसफुस शिरा। फुसफुस शिरा, इसका नाम है फुसफुस शिरा। अब यहाँ पे यहां से जो बाहर की तरफ जाता है ब्लड, तो इसको बोलते हैं, यहां से जो ब्लड वापस जाता है इसको बोलते हैं धमनी, मतलब एरोटा, एरेटा को, ये हो गया महाधमनी, इसको बोला जाता है महाधमनी, जो यहां से ब्लड बाहर जाता है। अब यहां पे हम लोग एक और फिगर को देखते हैं, यहां से जब हम लोग का एंट्री करता है ब्लड, इसको हम बोलते हैं, यहां से हमारा ब्लड जो एंट्री करता है अंदर हार्ट में, इसको हम बोलते हैं क्या, ये हो गया महाशिरा, यहां से एंट्री करता है तो इसे बोलते हैं महाशिरा, तो महाशिरा से एंट्री किया। अब यहां से फिर यहां पे ये, यहां से जो ब्लड बाहर निकलता है इसको हम बोलते हैं ये फुसफुस शिरा, यहां से जो ओ सॉरी फुसफुस धमनी कहते हैं, इसे कहते हैं फुसफुस धमनी, इसे हम बोलते हैं फुसफुस धमनी। ये तीनों आप लोगों को नाम समझ में आ गया होगा। अब यहां से जो ब्लड एंट्री करता है इसके बीच एक कपाल होता है सेपिकल्स वैलूम, इसके तरह इसको हिंदी में कपाल भी बोलते हैं, द्विवर्तीय कपाल्स, जिसके थ्रू यहां से जो ब्लड हमारा अंदर के तरफ आता है, तो ये जो होता है इस तरीका से मूवमेंट होता है, अगर अंदर से आया कुछ तो ये मुंह खुल गया फिर अंदर आ गया, यहां से कुछ आना है तो इस तरह आ जाता है, ये खुल जाता है फिर बंद हो जाता है। अगर यहां से ये आ गया ब्लड अगला चेम्बर में, तो इस चेम्बर में आ गया तो ये फिर वापस नहीं जा सकता है, जाएगा तो सिर्फ यहां से, जाएगा तो सिर्फ इसके रास्ते से बाहर निकलेगा। इस रास्ते का क्या नाम है, इस नस का नाम है फुसफुस धमनी, जो बाहर निकलता है धमनी, और जो बाहर से अंदर आता है उसे बोलते हैं शिरा, मतलब ये हो गया आट्रियम और ये हो गया वेंट्रियम। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, और यहां भी तो एक होगा बाइसेप्ट्रम, हमारा ट्राइकेस्पिकल्स, ये हो गया हमारा बाइकेप्सिकल्स वॉल्यूम्स, मतलब कपाल होता है, इसी को हिंदी में कपाल कहते हैं, बाइकेप्सिकल्स कपाल होता है। अगर यहां से कोई ब्लड अंदर की तरफ आया तो आने के बाद ये खुलेगा, खुलने के बाद इस चेम्बर में आ गया, ये ऊपर वाला चेम्बर से नीचे वाला चेम्बर में आ गया, मतलब ये आलिंद, ऊपर वाला चेम्बर को क्या बोलते हैं हम आलिंद, और नीचे वाला चेम्बर को क्या बोलते हैं, नीचे वाला चेम्बर को निलय। जब आलिंद में प्रवेश करता है ये फुसफुस धमनी से ब्लड आलिंद में प्रवेश करता है, ये शुद्ध रक्त होता है, प्रवेश करके इस चेम्बर में आके इस चेम्बर के थ्रू यहां से वापस जाता है, यहां से फिर पंप कर देता है, पंप करने से फिर यहां से बाहर निकल के एट्रियम में, मतलब महाधमनी में जाता है, महाधमनी से धमनी, धमनी से छोटी धमनी, छोटी धमनी से कैपिलर्स, कैपिलर्स के बाद मतलब केशिका के पास चला जाता है। तो पूरे बॉडी में यहां से फैल जाता है,
यहां से एंट्री किया कैपिलर्स के बाद फिर इस तरह से घूम के यहाँ आता है, फिर ये इसको बोलते हैं महाशिरा, महाशिरा से एंट्री किया तब फर्स्ट वाला चेंबर को बोलते हैं क्या, ये हो गया लेफ्ट, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में एंट्री किया तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रियम में चला आया, राइट वेंट्रियम से यहाँ से ब्लड या इस नस से फुसफुस धमनी से निकल के किस में चला आता है, यहां से निकल के एक लंग्स में चला आता है, लंग्स मतलब फेफड़ा, फेफड़ा में आता है, ये होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त यहां से निकल के फेफड़े में आता है, तो फेफड़े में क्या होता है कैपिलर्स होते हैं जो कि दोनों तरफ से होते हैं, जो कि एक तरफ से यहाँ पे अशुद्ध रक्त दिया, मतलब अशुद्ध रक्त का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे छोड़ दिया, फिर यहाँ से ऑक्सीजन को लेके, ऑक्सीजन को लेके यहाँ से फिर इसमें एंट्री कर देता है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे CO2 को छोड़ दिया लंग्स में, और फिर यहाँ से ऑक्सीजन को लेके फिर यहाँ से दैट लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है, लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करने के बाद ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, मतलब दाहिना आलिंद से दाया निलय में आ जाता है, दाया निलय से यहां से ये ऑक्सीजन ले लिया तो प्यूरिफाई हो गया ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दिया ऑक्सीजन को ले लिया इसलिए ये प्यूरिफाई हो गया, तो प्यूरिफाई हो जाता है तो इसके थ्रू फिर ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, ये हमारा होता है ब्लड का सर्कुलेशन, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ता है, यहां से ऑक्सीजन को लेता है। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका, सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं आलिंद, और नीचे वाला भाग को निलय। तो हमारे बॉडी में चार तरीका से चेंबर होते हैं, तो एक हो गया राइट, राइट साइड में है, ये हो गया राइट साइड में, तो ये राइट आर्टेरियम, और नीचे वाला हो गया राइट वेंट्रियम, ये हो गया राइट लेफ्ट एट्रियम, और नीचे वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रियम, मतलब दाहिना आलिंद से पहले गया दाहिना आलिंद से दाहिना निलय में, और इधर से बाया आलिंद से बाया निलय में। तो ब्लड कहां से कहां जाता है सबसे पहले इसको रिकॉल करते हैं, हमारे ये चारों चेंबर याद हो गया। सबसे पहले आता है ये जो होता है सीरा, सीरा से एंट्री किया सबसे पहले किस में आया, यानी ये राइट एट्रियम में आया, दाहिना आलिंद में आया, दाहिना आलिंद से दाहिना निलय में गया नीचे, दाहिना निलय से फिर वहां से फुसफुस धमनी के रास्ते ये जाता है लंग्स में, फुसफुस धमनी के रास्ते लंग्स में जाता है, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन को लेके फिर ऐसे घूम के आता है यहाँ पे, कहाँ पे आता है इधर, मतलब बाया आलिंद में, बाया आलिंद में एंट्री करता है, तो उससे ये बाइकैप्सुलर्स होते हैं, बाइकैप्सुलर के थ्रू नीचे चला आता है दाहिना दाया बाया निलय में, ये आ जाता है वहां से बाया निलय में, बाया निलय से फिर ये जाता है एरोटा के पास, मतलब महाधमनी के पास, यहां से महाधमनी से निकल के पूरे बॉडी में फैल जाता है। तो इसको याद करने का सबसे तरीका, सबसे पहले कहां आता है यहां से सीरा, सीरा से आता है निलय में, दहिना सीरा, दाया आलिंद से दाया निलय, दाया आलिंद से पहले सीरा से दाया महाशिरा से दाया आलिंद से दहिना निलय, दाया निलय से फिर चला गया फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी से होते हुए चला गया लंग्स में, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के वहीं से शुद्ध हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन ले लेता है तो वो शुद्ध हो जाता है, शुद्ध होने के बाद फिर आ जाता है ये इसके थ्रू साइड से बाया आलिंद में, बाया आलिंद में आ गया तो बाया आलिंद से बाइकैप्सुलर के थ्रू आ गया दाहिना बाया निलय में, बाया निलय से फिर ये चल जाता है महाधमनी के पास। अब महाधमनी का मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया था हार्ट से और केशिका के पास जाने का कितना प्रोसेस होता है, तो देखो उसको बता देते हैं, महाधमनी से जाता है धमनी के पास, धमनी से जाता है छोटी धमनी के पास, छोटी धमनी से के पास जाता है केशिका के पास, केशिका से फिर होते हुए आता है छोटी शिरा के पास, छोटी शिरा से शिरा के पास आता है, और शिरा से महाशिरा के पास आता है, तो महाशिरा से फिर यही एंट्री कर जाता है। इतना सारा प्रोसेस होता है
तब यहाँ पे लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ऑक्सीजन लेके शुद्ध होके वापस चला आता है। जो ये सीरा होता है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के हिसाब से उड़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके चलते ये अशुद्ध होता है, जो लंग्स में छोड़ देता है वहां से ऑक्सीजन ले लेता है, तो ये फिर क्या हो जाता है, ये प्योर हो जाता है, मतलब शुद्ध हो जाता है ऑक्सीजन लेके, फिर यही प्रोसेस चलता रहता है। अब यहाँ पे इस चीज का हम नाम देख लेते हैं, ये बाहर वाला जो मसल होते हैं, ये बाहर वाला मसल्स को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम, बाहर वाला मसल्स को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम और अंदर वाला मसल्स को बोलते हैं अंदर वाला, ये जो होता है इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इसको बोलते हैं इंडोकार्डियम और ये जो फुसफुस धमनी और एरोटा मतलब महाशिरा महाधमनी दोनों का बीच का ये जो होता है हिस्सा, मतलब दोनों को अलग अलग करता है, इस हिस्से को बोलते हैं सेप्टम, मतलब इसको कार्डियक सेप्टम बोला जाता है, ये बीच वाला दोनों तरीका से बांटता है, इसको कार्डियक सेप्टम बोलते हैं। कार्डियक सेप्टम बोला जाता है और इसके अंदर ये जो मसल्स दिखाई दे रहे हैं इस मसल्स को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। ये जो मसल्स होता है इसको हम बोलते हैं मायोकार्डियम और ये जो बीच वाला होता है उसको हम बोलते हैं ये सेप्टम। ये हमारा ब्लड के पूरी प्रोसेस हो गई, इसको स्क्रीन शॉट करिए, आपको हर एक चीज प्रोवाइड कर देंगे नोट्स से लेके जो भी होता है। लास्ट में एक और बार रिकॉल कर देते हैं कैसे हम लोग का ब्लड सर्कुलेशन इसमें होता है। तो सबसे पहले हमारा सीरा जो होता है महाशिरा से एंट्री करता है दहिना आलिंद में, दहिना आलिंद से दहिना नीले में जाता है, दहिना नीले से फुसफुस धमनी के रास्ते ये लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद फिर वापस आ जाता है इस साइड मतलब बाया नीले में, बाया नीले से बाया आलिंद में सॉरी बाया आलिंद में, बाया आलिंद से बाया नीले में आता है, बाया नीले से एरोटा मतलब महाधमनी के रास्ते पूरे बॉडी में जाता है, महाधमनी के रास्ते पूरे बॉडी में जाता है। फिर एक बार करते हैं, यहाँ से दहिना आलिंद, दहिना आलिंद, दहिना नीलय, फुसफुस धमनी, फिर लंग्स, फिर आ गया लंग्स से वापस बाया आलिंद, बाया नीलय, फिर एरोटा मतलब महाधमनी के रास्ते फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर केशिका, केशिका से फिर छोटी सीरा, फिर महाशिरा, उसके बाद से महाशिरा से फिर यहाँ से वापस आ जाता है। इतने सारे प्रोसेस होते हैं ब्लड, इसका सिर्फ वही काम रहता है ब्लड को पंप करना है, लेकिन फेफड़े के थ्रू ये प्यूरिफाई होता है, ये सिर्फ पंप करता है, सिर्फ फेंकता है। यहां से अगर ब्लड फेंकेगा तो ये बायोकैपिलर्स के हिसाब से बायोकैपिलर्स है, इसके चलते ये वापस ब्लड उधर नहीं जा सकता है, इधर ही आएगा। और इसके तरफ ट्रायोकैपिलर्स होते हैं जो कि यहां से आने के बाद फिर वापस इधर नहीं जा सकता है, तो जाएगा तो इधर ही जाएगा, ये सिर्फ पंपिंग करके वापस फेंकता है। ये सारे प्रोसेस हो गए। हम लोग का जो हार्ट बीट करता है तो हार्ट बीट करता है तो इसको मापने के लिए कोई यंत्र की आवश्यकता होती है जिसे हम बोलते हैं स्टेथोस्कोप के माध्यम से हमारे हार्ट बीट को नापा जाता है, जिस मशीन को बोलते हैं स्टेथोस्कोप, उसी मशीन के से पता चलता है हमारा हार्ट बीट कितना पंप कर रहा है। ये पंप करने से हमारा एक साउंड भी आता है जिसे ऐसे ऐसे, ये जो हमारा होता है ये जो बायोकैपिकल्स और ये ट्रायोकैपिकल्स ये साउंड करता है लब डब का साउंड करता है, जिसको हम लिखते हैं लब डब, लब चार लब नहीं सिर्फ लब और डब, इसके लब 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 और डब से हमारा जो हार्ट बीट करता है उसका साउंड आता है लब डब से। हम लोग जानते हैं हम लोग का हार्ट बीट है इस तरह से नापा जाता है जिसका साउंड लब डब से आता है, और हम लोग का हार्ट एक मिनट में 72 बार धड़कता है, क्या करता है एक मिनट में 72 बार धड़कता है। जब 72 बार धड़कता है तो हमारा हार्ट भी है
तो एक बार में 70 ml यानी 17 ml ब्लड को पंप करता है, मतलब वहां से 70 ml ब्लड को फेंकता है, किसमें, धमनी में, पूरे बॉडी में आता है, वहां से महाधमनी से पूरे बॉडी में आता है 70 ml एक बार में ब्लड पंप करता है वन टाइम में। अब 72 बार धड़कता है कितना पर मिनट, एक मिनट में 72 बार धड़कता है। तो यहां पे हम लोग देख लेते हैं, करीब कहता है तो एक मिनट में 72 बार हमारा हार्ट बीट करता है एक मिनट में, तो हमारा हार्ट बीट कितना, करीब 5 लीटर हम लोग का एक मिनट में ब्लड को पंप कर देता है, अपने अंदर लेके फेंक देता है। तो एक मिनट में इतना हमारे हार्ट बीट पंप कर देता है, ब्लड को इधर से आ रहा है इधर से पंप करते गया, एक मिनट में इतना एक बार में 70 ml पंप करता है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। और एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट, जिस हमारे इस दाब के अनुसार हार्ट बीट पंप करता है, जिसके चलते हमारा ब्लड बाहर फेंकता है, तो उस हार्ट बीट करता है पचकता है बोलता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, ये हार्ट बीट करता है बोलता है पचकता है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। सबसे एक और पॉइंट जो कि हार्ट बीट पे नियंत्रण करके रखता है, मतलब बिजली उत्पन्न करता है, वो होता है यहाँ पे, जिसको पेसमेकर, इसी पेसमेकर के चलते हमारे हार्ट बीट में इसे सर्कुलेट करता है, इसमें करंट जनरेट करता है, जिसके चलते ये पंप करता है, सबसे मेन यही, जिसे हम बोलते हैं पेसमेकर। आई होप कि आपको ये हार्ट वीडियो समझ में आया हो गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।